हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अभी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का ये पूरा एक सीरीज चल रहा है। हमने एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन पार्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा सब पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस। ठीक है, एज यू नो एवरी फाइलम हैज देयर सम पिकुलियर और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि पोरीफेरा में पोर होता है, वाटर कैनल सिस्टम होता है, उसके नाम में ही उसका काम छुपा होता है। ठीक है, वैसे ही फाइलम सिलेंटेरिटा, और इसको भी बोलते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया है तो इसीलिए उसके पास भी एक यूनिक कैरेक्टर है, दैट इज नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, व्हिच हेल्प इन द अटैचमेंट, व्हिच हेल्प इन द डिफेंस सिस्टम, व्हिच हेल्प इन द किलिंग टू देयर एनिमी। ओके, टीनोफोरा, टीनोफोरा के पास भी एक बहुत अच्छा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस। ये चमकते हैं रात में। ये फाइलम टीनोफोरा सिलेंटेरेटर का आसपास होता है, मतलब सिमिलरिटी 80-90% होते हैं, मगर एक यूनिक फीचर है, दैट इज दे हैव एक्सटर्नल सिलेटेड कवर जिसके द्वारा ये मूव करते हैं, और इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस होता है, इसके द्वारा बहुत चमकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लैटीहेलमिंथस, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। इसके पास भी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, इसको बोलते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है फ्लैट वर्म। ठीक है, फ्लैट वर्म। देखो, वर्म का साइज, वर्म देखने को कुछ ऐसे सिलिंड्रिकल होते हैं। अगर हम उसको चिपका दे, ऐसे पैर में चिपका दे, तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो ये डोर्सो वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो ये पूरा चिपक जाएगा। फ्लैट प्लैटीहेलमिंथस हेलमिंथस मतलब फ्लैट से ले लो फ्लैट। ठीक है, फ्लैट का मतलब ले लो फ्लैट, मतलब पूरा ही चिपक जाएगा। ये जो है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म जाते हैं वो पूरा टेप का, ट्रांसपेरेंट टेप हम जो लगाते हैं ना, सेलो टेप, उसी का टाइप होगा। पूरा थिन बॉडी होगा, थिन सरफेस बॉडी होगा। ठीक है, एंड ये मोस्टली एंडो पैरासाइटिक होते हैं, मोस्टली मोस्टली एंडो पैरासाइटिक होते हैं। देखो, यहाँ पर वर्ड आ गया है मोस्टली। मैं तुमको बोला था प्रीवियस क्लास में कि तुम ये सब वर्ड को थोड़ा बहुत हाईलाइट करो। एनसीईआरटी में जो लिखा गया है ना, ऑल, ओनली, नॉन, एक्सक्लूसिवली, मोस्टली। देखो, मोस्टली मतलब इसमें से कुछ हो सकते हैं एंडोपैरासाइट और कुछ नहीं भी हो सकते। मगर अगर ये लिखा होता कि ऑल आर एंडोपैरासाइट, या फिर एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट, या फिर ओनली एंडोपैरासाइट, मतलब इनमें एक्सेप्शन नहीं होगा। यहाँ पर मोस्टली लिखा है, मोस्टली एंडोपैरासिट पैरासाइटिक, मतलब यहाँ पे कुछ एंडोपैरासाइटिक होंगे, कुछ एंडोपैरासाइटिक नहीं भी होंगे। ठीक है, देन ये कैसे शो करते हैं अपना सिमेट्री ना, बाइलेटरल। बाइलेटरल तुमको मैं बताया था, बाइलेटरल मतलब एक ही प्लेन में तुमको इक्वली डिवाइड कर पाओगे। जैसे कि तुम्हारा ये मान लो एक ह्यूमन बींग है। ठीक है, अच्छे से बनाता हूँ। तो ये मान लो तुम्हारा एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो तुम किसी भी एंगल से काटो, वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो पाएगा क्या? हाँ, हो पाएगा एक ही प्लेन में। अगर तुम वर्टिकली ऐसे उसको काट दो तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर तुम ऐसे काट दो हॉरिजॉन्टली, क्या वो इक्वली डिवाइड हो पाएगा? या फिर ऐसे काट दो, क्या वो इक्वली डिवाइड हो पाएगा? ना, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, हेड पार्ट ऊपर रहेगा, लेग पार्ट नीचे रहेगा, तो इक्वल नहीं हुआ ना। मगर तुम अगर यहां से वर्टिकली में एक प्लेन डाल दो, यहां से मेरे को काट दो, तो तुमको इक्वल दो हिस्से मिल गए, दो, एक एक आंख, एक एक हाथ, एक एक लेग। ठीक है, दो दो पूरा इक्वली दो भागों में डिवाइड हो गया। तो इसी टाइप का सिमेट्री को बोलते हैं बाइलेटरल। ठीक है, इसी टाइप का सिमेट्री बोलते हैं बाइलेटरल। सो प्लैटीहेलमिंथस सो बाइलेटरल सिमेट्री एंड दे आर
ट्रिप्लो ब्लास्टिक मतलब दिस हैव दे हैव थ्री जर्म लेयर, दैट इज एक्टो मेजो एंड एंडो। ट्रिप्लो ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, थ्री मीन्स एक्टो होगा, मेजो होगा, एंडो होगा। अगर ये डाइप्लो ब्लास्टिक होगा, डिप्लो ब्लास्टिक होगा, तो इसमें दो जर्म लेयर होगा, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, देन ये होते हैं क्या ना, आ सिलोमेट। सिलोम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, देखो प्लाटीहेलमिंथस में सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, और उसके बिफोर भी जो होते हैं ना, जो फाइलम, उसमें भी सिलोम नहीं पाया जाता है, मगर इसके बाद जो आसेलमिंथस आएगा वहां पर सीडो सिलोमेट पाया जाएगा। देन आसेलमिंथस के बाद जो सारे एडवांस लेवल का फाइलम आएंगे ना, जैसे तुम्हारा एनेलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलुस्का हो, एकाइनोडर्मा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, जो भी आएगा उसमें सब में सिलोमेट होगा, ट्रू सिलोमेट होगा। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यहां से शुरू होता है, प्लाटीहेलमिंथस से पूरा लास्ट तक, कोडाटा तक। मगर ट्रिप्लोब्लास्टिक से पहले जो तुम्हारा था फाइलम पोरीफेरा, टीनो, सॉरी सिलेंटेरिडा, टीनोफोरा, इन सब में तुमको डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर मिल जाएगा, और सिलेंटेरिडा टीनोफोरा में तुमको रेडियली सिमेट्रिकल दिखा जाएगा, और प्लाटीहेलमिंथस के बाद जो भी तुम्हारा आएगा फाइलम, एडवांस लेवल का फाइलम, उसमें सब में तुमका बाइलेटरल सिमेट्रिक देखा जाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एडल्ट एकाइनोडर्म। एडल्ट एकाइनोडर्म में तुम्हारा रेडियल सिमेट्रिक देखा जाएगा, वो एक्सेप्शन केस है। ठीक है, तो यहां पर आता है ये सब आसिलोमेट होते हैं, इसके बाद मतलब आसेलमेंटस जब आएगा उसमें सीरो सिलोमेट देखा जाएगा, और उसके बाद जो भी एडवांस लेवल फाइलम आएगा उनमें टू सिलोमेट देखा जाएगा। आसिलोमेट मतलब नो सिलम प्रेजेंट, आसिलोमेट मतलब नो सिलम। ठीक है, सिलम क्या है ये भी तुमको बताया था मेरा 3 लेक्चर नंबर 3 वीडियो में, देख लेना कि बॉडी कैविटी होता है ये। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल और बॉडी लाइन के बीच में रहते हैं, बॉडी कैविटी होते हैं। ठीक है, मगर ये कैविटी नहीं पाया जाता है प्लाटीहेलमिंथस में, और इसका किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तुमको बोला था कि फाइलम पोरीफेरा में मल्टी सेलुलर होते हैं। जब फाइलम सिलेंटेरिडा, फाइलम टीनोफोरा है, वहां पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, वहां पर ऑर्गन मतलब तैयार नहीं था, अभी से ऑर्गन होना शुरू हो गया। फाइलम प्लाटीहेलमिंथस में ऑर्गन लेवल होगा, देन उसके बाद जो भी सिस्टम आएगा, जो भी फाइलम आएगा, उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल देखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्गन डेवलप हो गया, तो इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखा गया था। अगर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, ये सब पता नहीं है, तो मेरा लेक्चर 2 वीडियो जाके देख लीजिए, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, उस पर तुम देखने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों कि तुम जो ये सब पार्ट पढ़ रहे हो ना, बाइलेटरल, डिप्लोब्लास्टिक, आसिलोमेट, ऑर्गन लेवल या फिर टिश्यू लेवल, ये जो वर्ड सुन रहे हो, अगर तुमको नया लग रहा है ना, मेरा इंट्रोडक्शन का एक जो एनिमल किंगडम का 1 2 3 वीडियो होगा उसको जाकर पहले देख लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाए, देन तुम कोई भी फाइलम में आ जाओ तुम अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, देन आते हैं दे हैव हुक्स एंड सकर। हुक्स एंड सकर, ये जनरल सब क्या करेंगे ना, ब्लॉक करेंगे, और हुक हुक मतलब अटैचमेंट के लिए हेल्प होगा। ठीक है, और ये ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स बाय देयर बॉडी सरफेस। उनके बॉडी सरफेस फ्लैट है तो इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, दे ऑब्जर्व ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट बाय बॉडी सरफेस सरफेस। ठीक है, देन दे हैव वन यूनिक सेल दैट इज नोन एज फ्लेम सेल। ये किसी भी तुमको फाइलम में नहीं मिलेगा सिवाय प्लाटीहेलमिंथस। ये क्या करता है ना, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, और एक्सक्रीशन में यही निकलता है उनका। प्लाटीहेलमिंथस जब एक्सक्रीशन करते हैं तो यही निकलता है। ठीक है, देन सेक्स आर नॉट सेपरेट, फिर से घुमा के लिखा है एनसीईआरटी, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट सेपरेट,
मतलब यहाँ पे उनका मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही सेल में, एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा। ये सपोज मान लो एक ऑर्गेनिज्म में उनका मेल ऑर्गन भी यहाँ पर होगा, फीमेल ऑर्गन भी यहाँ पर होगा। तो ये हो गए बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल मतलब दोनों ही ऑर्गन, मेल एंड फीमेल ऑर्गन, ये उनके पास ही है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? इधर और इधर मेल ऑर्गन होगा या फिर फीमेल ऑर्गन होगा, उनमें दोनों ही है। वो किसी के पीछे भागने उनको जरूरत नहीं है। उनके पास गर्लफ्रेंड ना हो तो चलेगा, बॉयफ्रेंड ना हो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास दो ही ऑर्गन है, मेल भी है फीमेल भी है, फीमेल ऑर्गन भी है। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली बाइसेक्सुअल। ठीक है, देन इनका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दे कैंट डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दे ऑलवेज प्रिफर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो जैसे तुम आगे जाओगे ना, एडवांस लेवल फाइलों में जाओगे, वो सब इंटरनली फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। जब तुम मतलब बेसिक से शुरू करोगे, पोरीफेरा ये सब शुरू करोगे, पोरीफेरा सिलेंटर टीनोफेरा, इन सब में थोड़ा बहुत तुम कभी कभी पा जाओगे कि एक्सटर्नल भी फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। मगर तुम जैसे जैसे एडवांस लेवल जाओगे, सबसे एडवांस कौन है? कड़ाटा हम है। तो हम क्या एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन करते हैं क्या? स्पर्म फेंक देते हैं, वो फीमेल लोग एग फेंक देते हैं, बाहर जाकर तुम्हारा जाइगोट बन जाता है? ऐसे तो नहीं होता है, प्रोसेस होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। वैसे ही जब जब थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल का फाइलम हम जाएंगे, ठीक है, वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट इनका होता है, इनका डायरेक्ट नहीं होता है, हमारा डायरेक्ट होता है, मगर इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैं तुमको हर वीडियो में बताता हूं कि सॉरी, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब देखो, जाइगोट ट्रांसपोर्ट टू एडल्ट थ्रू सम लार्वल स्टेज। देखो हमारा तो लार्वल स्टेज नहीं होता है, हमारा स्पॉर्म होता है। देखो यहां पर जैसे बनाया था, स्पर्म होता है, एग होता है, वो मिलके जाइगोट बनाता है, जाइगोट फिर जाइगोट से मोरूला, देन ब्लास्टुला, गैस्टुला, एडल्ट। ये प्रोसेस होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग का, या फिर जो भी एडल्ट, जो भी सॉरी जो भी एडवांस लेवल फाइलम होगा उनमें डायरेक्ट लेवल होगा। इनडायरेक्ट मतलब एक स्पर्म एक मिलके जाइगोट तो बना लेंगे, नहीं तो जाइगोट बनाए या ना बनाए थ्रू लार्वल स्टेज, देन वो बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट तब बोलते हैं व्हेन डेवलपमेंट डेवलपमेंट गोज थ्रू व्हाट? लार्वा, लार्वा। ठीक है, जब लार्वल स्टेज देकर वो डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं प्लाटिहेलमिंथेस का, प्लानेरिया, प्लानारिया। ये देखने में कुछ ऐसे दिखते हैं, मटके के जैसा। ठीक है, इनको काट दो, यहां से काट दो, दो इक्वली इक्वल हो या ना हो, ये फुल्ली बना देते हैं। इसको ऐसे काट दो तो ये फुल्ली दो प्लानेरिया बना देते हैं, ऐसे दो प्लानेरिया बना देते हैं, इसको काट दो। ठीक है, तो इनके पास बहुत सारे टोटिप्यूटेन सेल होते हैं, जिसके द्वारा वो अपने आप ही पूरा फुल प्लानेरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज सेल जो प्लाटिहेलमिंथेस के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या 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 क्या, क्या? आसेलमिंथेस। ठीक है, टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।